भाइयों आज से मेरी फेवरेट वीडियो एडिटिंग ऐप फॉर स्मार्टफोन ये हो गई है। अबे यार मैं वीडियो कैसे एडिट करूंगा। साला बहुत ज्यादा भयावरा सपना था, कहीं सच हो गया तो अब गाइस वैसे तो मैं दविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ अपने बेसिक एडिटिंग के लिए, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं एक ऐसी स्मार्टफोन वाली ऐप ढूंढ रहा हूँ जो कि कभी आड़े वक्त में काम आ सके और मेरे को क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनका मैं आदि हो चुका हूँ। लेट सपोर्ट, कर्व ग्राफ एडिटर, बीट डिटेक्शन, ईज ऑफ यूज, ये वाला जो मेरा क्लॉज है ये आते ही 90% ऐप मेरी लिस्ट से बाहर हो जाती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि मेरे को लगता है कि मेरे को एक ऐसी ऐप मिल गई है जिसमें मेरे सारे मापदंड सेट बैठ रहे हैं, हर चीज़ पे टिक हो रहा है। तो आगे की जो भी क्लिप आप देखेंगे वो पूरी की पूरी मैंने उसी ऐप में एडिट करी है। लेट्स स्टार्ट। हाँ भैया, उई 1 मिनट, सॉरी फॉर द कच्छाज इन द बैकग्राउंड गाइज। सो गाइज अगर आप लोग मेरी वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब ये है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। मैं धरती माता की कसम खाता हूँ कि इसी तरह का कंटेंट आगे भी लाता रहूँगा आपके लिए। सो गाइज आपने ये जो वीडियो देखी है ये पूरी की पूरी मैंने एक ऐप है जिसको बोलते हैं VN वीडियो एडिटर, ये ऐप मैंने इस ऐप पे एडिट करी है ये कंप्लीट वीडियो। तो इस वीडियो एडिटर ने आराम से S-Log2 प्रोफाइल को हैंडल कर लिया जो कि आपने पीछे क्लिप में देखा, और बहुत ही स्मूथ रही है मेरे फ़ोन में। मेरा फ़ोन है पोको F1 6GB रैम वाला वेरिएंट। एक तो इसमें LUT सपोर्ट करने का ऑप्शन है, तो मेरे पास बहुत सारे LUT हैं जो कि मैं अपने कंप्यूटर से इंपोर्ट करके इस ऐप के अंदर इंस्टॉल कर दिए, और अब मैं आगे जाके अपनी क्लिप्स में वो सेम LUTs S-Log2 वाले यूज़ कर सकता हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया है। मेरे को अभी कोई ढंग की ऐसी ऐप अभी तक दिख नहीं थी जिसमें मैं ऐसा कर पाऊँ, तो ये एक बहुत यूनिक फीचर लगा मेरे को इस ऐप का। इसके अलावा इसमें आपका कर्व ग्राफ एडिटर है, जब हम स्पीड रैम्प करते हैं यानी स्लो को फास्ट, फास्ट को स्लो एक ही क्लिप में करते हैं स्मूथली, तो उसके लिए कर्व ग्राफ एडिटर बहुत यूज़फुल होता है। उसके बिना ये इसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे एक अलग से सेक्शन है जहाँ पे आप जाके म्यूज़िक को चलाएंगे और जहाँ जहाँ पे बीट आएगी वहाँ वहाँ पे आप हाईलाइट कर देंगे, और बाद में जब आप एडिटिंग में जाएंगे तो वो सारा हाईलाइट वहाँ पे मार्कर बन के रहेगा, तो आप उन मार्कर्स की मदद से अपने वीडियो को उन बीट्स पे कट करके लगा सकते हैं। तो बहुत इजी है, बहुत इजी इंटरफेस है, बहुत आराम से आप इसमें एडिट कर सकते हो, टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट कर सकते हो, आप क्लिप्स को बहुत इजीली अरेंज कर सकते हो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मल्टीपल ट्रैक्स के ऑप्शन हैं, और अगर आपको कुछ VFX वर्क करना है, मास्किंग, तो उसके लिए भी एक अलग से ट्रैक दे रखा है, और उसमें भी आप मल्टीपल ट्रैक क्रिएट कर सकते हो, तो मतलब अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये फ्री है, तो ये कम्प्लीटली फ्री है, इसमें कोई वाटरमार्क का कोई सीन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउनलोड करो और यूज़ करो, आपको कुछ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इस ऐप का ओवरव्यू है, और मेरे फेवरेट फीचर्स क्या हैं इस ऐप के उनके बारे में बताया है। अगर आप इच्छुक हैं कि मैं एक अलग ट्यूटोरियल बनाऊं और डिटेल में इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं कि कैसे इसमें वीडियो एडिट करते हैं, क्या क्या इफेक्ट को कैसे करते हैं, तो मेरी वीडियो पे कमेंट करिए और मैं जल्दी ही वो वाली वीडियो पे काम करना शुरू कर दूंगा।
आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं जो कि इस वीडियो के एंड में आएगी, और वहाँ पे आप मेरे को अपने सवाल डीएम भी कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी बहुत जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, कोशिशें करती रहना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। हैव फन, सी यू सून।